हेलो व्यूअर्स, ये है मेरा पुराना मल्टीमीटर जो कि है मैनुअल वाला। इसको हाथ से ऑपरेटिंग करना पड़ता है। इसको एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज कुछ चेक करने के लिए या फिर कोई रेजिस्टेंस वगैरह चेक करने के लिए इसको मैनुअली ऑपरेटिंग करना पड़ता है। तो इसको पहले ये वाला ओरिजिनल आता था, अभी ओरिजिनल आता है लेकिन मिलता नहीं है ज़्यादा। अभी जो आता है ज़्यादा डुप्लीकेट आता है। और देखिए डुप्लीकेट जो है, ये भी मेरा वाला भी डुप्लीकेट है। जो 0 दिखाने था वो अब 8 दिखा रहा है, और इसका 7 सेकंड डिस्प्ले लास्ट वाला ख़राब हो गया। तो यह है मार्केट का डुप्लीकेट, जो कि ज़्यादातर 150 में 120 में मिल जाता है। ओरिजिनल वाला थोड़ा कम ही मिलता है। और इसका जो लास्ट वाला डिस्प्ले है ये तो ख़राब हो गया। और इसका बैटरी भी लगता है, जो 9 वोल्ट का बैटरी अंदर से खोलना पड़ता है। तो ये था ओल्ड वाला। अब है मेरे पास एक मल्टीमीटर जो कि ऑटो मल्टीमीटर। इसमें दो तीन ही बटन हैं, जो एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज ऐसा कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, नॉब नहीं चेंज करना पड़ता। तो चलिए पैकेट खोलने के बाद आप देख ही पाएंगे कि कौन सा क्या है और कैसे ऑपरेटिंग होता है, क्या क्या सिस्टम वगैरह है। तो चलिए पैकेट खोल लेते हैं। वैसे मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था 5-7 दिन पहले, दो दिन पहले चला आया और अनबॉक्स भी कर लिया और आप लोगों को भी देख लिया। तो पैकेट में बस एक बॉक्स मिलता है जो कि मल्टीमीटर का बॉक्स है। और ये मल्टीमीटर आता है सिग्मा ब्रांड से। सिग्मा ब्रांड पहले भी बहुत इलेक्ट्रिक आइटम का रेडी करता था, मतलब बनाता था। अब जो एक ज़्यादातर दिखता था वो है एनर्जी मीटर। सिग्मा का बहुत सारा एनर्जी मीटर दिखता था, जो कि भाड़ा घर या फिर दुकान के लिए लगाता था एक्स्ट्रा जो है वो सब। तो ये है सिग्मा का ऑटो मल्टीमीटर। डिस्प्ले के ऊपर लिखा है ऑटो और इसके फीचर वगैरह ऊपर हाईलाइट किया हुआ है SG24AC Smart। इसका सीरियल नंबर या फिर सीरियल नेम, तो इसके ऊपर 6000 काउंट, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज ऐसा कुछ लिखा है। तो ये सब हम आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। तो हम एक बार बॉक्स के अंदर खोल के देख लेंगे। तो इसका प्राइस मेरे को पड़ा 950। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मल्टीमीटर है। आप चेकिंग वगैरह करेंगे, रिव्यू वगैरह करेंगे, तब आप देख ही पाएंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। ऊपर में लिखा है सिग्मा डिजिटल मल्टीमीटर और SG24 सीरियल नंबर वगैरह, और पीछे वगैरह कुछ शॉप का मतलब सेलर का नाम होगा वगैरह, जहाँ से ये सेल हुआ उसका नाम होगा। ऊपर भी फ्लिपकार्ट का एक कोड है। और नीचे का मतलब बैक या फ्रंट, बैक फ्रंट दोनों ही एकदम सेम टू सेम है। कौन सा फ्रंट है कौन सा नहीं पता चलेगा। तो बॉक्स खोलने के साथ साथ नज़रा दिखता है ऐसा, मतलब नज़रा क्या, मल्टीमीटर ही दिखेगा। तो ये है इसका मल्टीमीटर जो कि ये रैपिंग करके रखा हुआ है। इसको रैपिंग खोलना पड़ेगा। इसका साथ साथ आता है AAA 2 बैटरी, जो कि यह बहुत घटिया क्वालिटी का है, मतलब इसका चार्ज शायद एक हफ्ता भी नहीं टिकेगा। तो फिर भी फ्री दिया है, फ्री का माल और क्या हो सकता है। और है इसका 2 वायर जिसमें से चेकिंग वगैरह होगा। और एक है जो यूज़र मैनुअल। अब मल्टीमीटर तो है ऑटो, ऑटो में यूज़र मैनुअल से क्या करेंगे हम, क्योंकि ऑटो चलाएंगे बस हो जाएगा और क्या। मतलब ऑटो, मतलब ऑटो रिक्शा नहीं है, ऑटो मल्टीमीटर है। तो इसका मैनुअल क्या वगैरह है क्या नहीं है सब कुछ आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, हम साइड में रख देते हैं। तो इसका वायर एक बार देख लेते हैं। वायर कितना लंबाई होगा, मेरे ख्याल से 0.5 मीटर होगा, तो 1.5 फीट होगा शायद। इसका वायर का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं कि वायर का मोटाई भी अच्छा है। और जो मल्टीमीटर लगा उसके ऊपर कैप भी है, कैप खोल के बस लगाना पड़ेगा। एक है रेड कैप, दूसरा है ब्लैक वाला, तो खोलना ही पड़ेगा, खोल के लगाना पड़ेगा। तो हम फिलहाल के लिए लगा कर रखते हैं, बाद में देखेंगे क्या है। तो है वायर, इसका लंबाई शायद 1.5 फीट होगा। और जो जिसमें से चेकिंग करते हैं उसका भी ऊपर में 2 कैप लगा हुआ है। और इसके लिखा है 1000 वोल्ट कैश ऑन, मतलब 1000 वोल्ट चेक किया है शायद, ऐसा कुछ टेस्टिंग वगैरह है। मतलब वोल्टेज क्या है, वोल्टेज तो कुछ नहीं है, मेन तो एम्पायर है, कितना एम्पायर इसमें से जा सकता है वो सब मैटर करता है। तो इसका नॉब वगैरह सब कुछ सही है, एक रेड है एक ब्लैक है, और मतलब रेड ब्लैक मतलब प्लस माइनस, और फेस में आया तो न्यूट्रल और लाइव। तो इसका क्वालिटी भी अच्छा है, सामने एकदम पूरा सुई की तरह है। अंदर से छोटा छोटा डायोड, माइक्रो डायोड, कैपेसिटर या फिर रेजिस्टर में जो मोबाइल के बोर्ड में रहता है उसमें लग जाएगा। और इसका 2 है AAA बैटरी सेल, AAA सेल, इसको भी खोल के देख लेते हैं।
फिलहाल तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर लास्टिंग नहीं करेगा। इसका बैकअप एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि एकदम बैटरी देखते से एकदम पता चल रहा है। तो मेन मल्टीमीटर का अब रैपिंग हम खोलेंगे, खोल के देखेंगे, या फिर इसको नहीं खोलेंगे तो यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। अगर ऊपर से थोड़ा सा खोलेंगे तो मतलब जहाँ पर वायर लगाना है नीचे रेड और ब्लैक वाला होल, वहाँ पर लगा सकते हैं, बट हम क्या करेंगे इसको खोल देंगे। तो इसमें तीन बटन आता है, एक है मेन पावर ऑन बटन, लेफ्ट के ऊपर में है होल्ड बटन और राइट के ऊपर है सिलेक्ट बटन। ये तीन बटन से एक है लेफ्ट के ऊपर से जो होल्ड बटन, उसमें से जो रीडिंग है वो होल्ड होता है, या फिर और दूसरा ऑप्शन है जो होल्ड करने से दो सेकंड तीन सेकंड होल्ड करने से लाइट जलता है, और राइट के ऊपर में है सिलेक्ट। सिलेक्ट से बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बिना करंट छुए इसका फ्रीक्वेंसी कितना है वो चेक करने के, और एक है इसमें टेस्टर छोड़ के, टेस्टर नहीं है, टेस्टर नहीं लगा के आप चेक कर सकते हैं इसमें कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा फेस है। जो न्यूट्रल के सामने से जब इसको लेंगे, और जो ऊपर का जो ब्लैक वाला ऑप्शन ऊपर से दिख रहा था, ब्लैक वाला जो ऊंचा जगह वहाँ पर आप तार लेंगे तो इसमें बीप बीप करेगा और ऊपर में एक जो लाइट है वो भी जलेगा, जो ऊपर में आप देख ही सकते हैं। और इसका रैपिंग हम एक बार खोल लेते हैं। तो रैपिंग करने खोलने से बस क्या थोड़ा ज़्यादा नया लग रहा है, चमक रहा है और कुछ नहीं है। पीछे स्टैंड भी है और बैटरी का जगह भी आपको दिखाएंगे अभी। और फिनिशिंग अच्छा है, मेन मल्टीमीटर है अंदर, उसके ऊपर जो ब्लू वाला दिख रहा है ये सब है आपका कवर। तो बैटरी लगाना है यहाँ पर, ट्रिपल ए सेल लगाना है यहाँ पर, जो कि फ्री ही दिया अभी तक। तो ये तो हम फिलहाल के लगा रहे, ज़्यादा दिन ये तो नहीं टिकेगा, हमको भी पता है आपको भी पता है। अच्छा होगा कि चेंज कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मल्टीमीटर लिखा है पहले से ऑटो, मतलब बैटरी लगाने के साथ साथ लिखा है ऑटो, मतलब ऑटो लिख के आ गया। अभी ये ऑटोमेटिक मोड में है, इसको आप एसी दे डीसी या फिर रेजिस्टेंस या फिर जो कुछ भी है डायरेक्टली शो कर देगा और कुछ नहीं। तो ये होल्ड बटन, बस ये लाइट दो तीन सेकेंड दबाने से ऊपर का लाइट और डिस्प्ले का लाइट दोनों ही जल जाता है एक साथ। और पावर बटन तो अंदर है, इसको एक बार दबाने से कुछ नहीं होता, बस फिर से लाइट होल्ड बटन दो सेकंड दबा के रखेंगे तो चेंज हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगा। और सिलेक्ट बटन से तो देख ही सकते हैं कि इसका जो मोड है वो चेंज हो रहा है, एसी डीसी एनएफ का मतलब क्या है, कैपेसिटर का शायद होगा, और ये ईजेड मतलब फ्रिक्वेंसी, ईएफ का मतलब है जो ऑटोमेटिक दिखता है, बीप बीप करेगा और एक लाइट जलेगा ऊपर, तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको, जो ये वायर वगैरह है स्मॉल लगा लेते हैं इसको मल्टीमीटर में। वाइट रेड वाला जाएगा राइट में ऊपर में और ब्लैक वाला जाएगा कॉमन में। रेड का जो लेफ्ट में है उसको सिर्फ एम्पेयर चेक करने के लिए, और बाकी सब काम है राइट में ऊपर का रेड में, बाकी सब कुछ के लिए एसी डीसी बाकी सब के लिए, बस रेड राइट का ऊपर में रेड वाला। तो देखिए इसका लगा लिया दोनों, अभी ये जो दोनों को टच करने से कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, बस 0.2, और ऊपर के जो रेड एलईडी है वो भी ब्लिंक कर रहा है, मतलब पहले वाला मल्टीमीटर में से एक बीप करता था और एक जो डिस्प्ले में शो हो रहा था कितना है, और इसमें कि एलईडी भी ब्लिंक, ऊपर का रेड एलईडी भी जलता है, वो ब्लिंक करता है जब इसका कॉन्टिन्यूटी मतलब जीरो के नीचे आ जाता है, जीरो या फिर एक दो तीन आ जाता है दो शॉट करने से, बस ऊपर में लाइट भी ब्लिंक होता है, बीप भी करता है और डिस्प्ले भी शो करता है, तीन काम। तो बाकी सब आप क्या करेंगे, हम ही जो ये जो 9 वोल्ट का सीरीज है बैटरी, इसको चेक कर लेंगे एक बार। तो प्लस को लगाएंगे प्लस में और माइनस को लगाएंगे माइनस में, डायरेक्टली दिखा रहा है कि 13 वोल्ट ऊपर में लेफ्ट में दिखा रहा है डीसी का सिंबल, मतलब ये डीसी वोल्टेज है, डायरेक्ट डीसी का सिंबल दिखा रहा है। देखिए लाइट ऑन करके देता हूँ, अच्छा दिखेगा। तो अब देखिए ऊपर राइट में नीचे वोल्टेज लिखा है और लेफ्ट में ऊपर में डीसी का सिंबल शो कर रहा है, मतलब ये डीसी वोल्टेज में है। देखिए अब दिख रहा है ऑटो, कोने में ऑटो और 13 वोल्ट, बस ऐसा। तो 13.33 वोल्ट डीसी। अब हम क्या चेक करेंगे, एक बार इसका जो बैटरी का वोल्टेज फिर से चेक कर लेंगे एक बार, और एक बार
इसका जो क्या, बस इसमें एक प्रॉब्लम है वो आप बाद में बताएंगे, एक प्रॉब्लम नहीं है वैसे वो, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या कि हाथ का जो रेजिस्टेंस है वो भी दिखा था एकदम आराम से, ठीक है। हाथ का रेजिस्टेंस एकदम 13.33, ये तो वोल्टेज है, होल्ड करके रखा था, ऑटो में आ गया फिर से, क्योंकि अभी एसी डीसी बहुत लेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार जो मेरा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट से एक बार वोल्टेज चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर का आउटपुट में जो कैपेसिटर का आगे है तो एसी वोल्टेज, कैपेसिटर और डायोड के बाद है डीसी वोल्टेज, तो दोनों ही चेक करके देखेंगे एक बार में क्या हो जाएगा, कि एसी भी चेक करना हो जाएगा, डीसी भी चेक करना हो जाएगा। तो हम करते हैं डायोड का आउटपुट में, जो कि देखिए सॉरी ट्रांसफार्मर का आउटपुट में दोनों रेड में दिखा रहे हैं, 56 50, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट, हाँ अब दिखाई देगा। तो ट्रांसफार्मर का रेड और रेड में लगाएंगे तो 24 वोल्ट एसी, अब देखिए एसी का सिंबल दिखा रहा है, अभी एसी का सिंबल दिखा रहा है, अभी भी एसी का सिंबल दिखा रहा है कि रेड और ब्लैक में। और अभी क्या कि डायोड का आउटपुट में चेक करेंगे एक बार, डायोड कैपेसिटर का आउटपुट में अब दिखा रहा है कि हाँ डीसी 32 वोल्ट डीसी, जो कि है ट्रांसफार्मर का आउटपुट में, सिर्फ अभी डीसी दिखा रहा है। और ट्रांसफार्मर का आउटपुट पर चेक करेंगे तो एसी दिखा रहा है, और कैपेसिटर डायोड का आउटपुट में चेक करेंगे तो एसी दिखा सॉरी डीसी दिखा रहा है। मतलब एसी डीसी यहाँ पर आराम से, कोई बटन बा कोई नॉब वगैरह कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो हम एक बार क्या एक बार एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज चेक कर लेंगे। सॉरी उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है कि न्यूट्रल और फेस, आराम से इसमें न्यूट्रल मतलब डायरेक्ट फेस लाइन आया है क्या नहीं, वो चेक करने के ऑप्शन मिल जाएगा। एन जेड मतलब है एक फ्रिक्वेंसी दिखाएगा आपका, बिना कुछ करे बस आपका जो मेन वायर है वो ऊपर का, जो ऊपर का लाइट है उसका साइड में जो काला वाला एक चीज़ है उसके सामने लिखा है, ये बस 49.90, ये फ्रिक्वेंसी दिखा देगा कितना फ्रिक्वेंसी में हो रहा है। और है ई एफ का मतलब हाँ आपका फेस है क्या नहीं, वो डायरेक्ट बीप कर देगा। अब बिना टेस्टर के छुए हुए ये काम आराम से कर सकते हैं, टेस्टर भी नहीं चाहिए, बस ई एफ का मोड में लेके आइए, और जो ऊपर का काला जो मल्टीमीटर के ऊपर का जो सर है उसका उसका सामने तार लेके आइए, बस ऑटोमेटिकली बीप करने लगेगा। तो ये था इसका कुछ फीचर वगैरह, बहुत अच्छा था, मतलब ऑटो में बहुत ही अच्छा है। पर एक ही प्रॉब्लम है कि जो आपका रजिस्टर वगैरह है ना, वो चेक करने के लिए दोनों हाथ से नहीं पकड़ सकते, एक हाथ से पकड़ के दोनों और एक हाथ जो है ना वो नीचे रखिए या फिर और कुछ जगह पर, क्योंकि बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो भी एक साथ में दिखाई देगा। तो इसका ई एफ भी ठीक से दिखाई दे रहा है, देखिए ये सब छोड़ दिया, ई एफ लिखा हुआ है अभी कुछ नहीं है। तो फिर से एक बार ऑटो कर लिया, ऑटो में देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है बीप कर लिया, एक बार फिर से एसी डीसी वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो ये था वीडियो, थैंक्स फॉर फ्रेंड वीडियो देखने के लिए, और इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा तरह काम कर रहा है ये सब।